मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीट 21 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है और इसकी जो फाइनल आंसर की है वो कब तक जारी हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बुक का लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने बड़ी रात दिन मेहनत के साथ में लिखा है, इसमें सब कुछ जानकारी वो दे दी है जो आप जानना चाहते हैं। इसमें टॉप से लोएस्ट के क्रम में कॉलेज, आपके स्टेट की कौन सी कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फाइनल राउंड का प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने का। तो इसके लिए ऑल इंडिया कोटा, आयुष, वेटनरी और स्टेट कोटा सभी की बुक अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल। अभी सभी स्टूडेंट के मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि नीट 21 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है और फाइनल आंसर की इसकी कब तक आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओमार चैलेंज की और आंसर की चैलेंज की लास्ट डेट थी वो 17 अक्टूबर 21 थी और एनटीए ज्यादातर 4 से 5 दिन का समय लेता है आंसर चैलेंज के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। तो हम मानते हैं कि ये 22 अक्टूबर तक रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है। बात करें फाइनल आंसर की तो इसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो ये एक दिन पहले भी आंसर की जारी की जाती है एनटीए द्वारा। अगर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है तो रिजल्ट के बाद भी फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रिजल्ट आना ही है, क्योंकि आंसर की और ओमार चैलेंज की लास्ट डेट जा चुकी है। तो अभी जो इवेंट होगा एनटीए का नीट के रिगार्डिंग वो रिजल्ट ही आएगा। तो रिजल्ट आने की जो संभावित डेट है, हम जिसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस डेट तक आ सकता है, तो वो 22 अक्टूबर है, यानी कि 22 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, फाइनल आंसर की जारी हो सकती है। तो वेट करते हैं रिजल्ट का, जैसे ही ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, वीडियो बनाकर बता दूंगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।